1 जनवरी से 3 जनवरी तक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल रोलर स्पीड स्केटिंग में विजेता रहे खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान समारोह सोमवार को स्वामी कॉम्प्लेक्स के बैंक्वेट हॉल में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतियोगिता में अजमेर शहर की विभिन्न स्कूलों के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों का मुख्य अतिथि अजमेर जिला एमेचर रोलर स्केटिंग संघ के अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी, डॉक्टर रचना जैन और महासचिव दिनेश शर्मा ने मेडल प्रदान कर खिलाड़ियों का प्रोत्साहित किया। इस मौके पर सभी विजेता खिलाड़ियों ने अपने 3 दिवसीय दौरे के बारे में बताया। हमारे समय में नहीं था, ये खेल नया है। यदि ऐसे कोई स्केटिंग करता दिखता था तो कहते थे बर्फ पे चलने वाले हो गए। ऐसे थे लोग, जब देखते थे बोले ये लोग कौन है, बर्फ पे चलते हैं, बर्फ पे चलने वाले हो गए। तो सड़क पे भी चलने लगे और हमारे साथ तो हमने 2-3 गेम या पे एक्टिविटी की शहर के अंदर। हमने साइकिलिंग रेस वगैरह की तो कई सारे बच्चों ने साइकिलिंग रेस के अंदर भी भाग लिया और आगे आगे चले हम लोगों के साथ में। हमको बहुत खुशी हुई कि बच्चे इतना आगे बढ़ रहे हैं और वीडियो गेम से बाहर निकल कर, क्योंकि अब जो नया बच्चा है ना उसके साथ में 2 प्रॉब्लम है। यह तो वीडियो गेम खेलता है और वीडियो गेम से जो बहुत नया औजार हम लोगों के सबके साथ में आ गया वो एंड्रॉइड फोन आ गया है। हम लोग रोलर बास्केट बॉल के टूर्नामेंट में गए थे और हमारी फर्स्ट पोजीशन रही और हमारा फर्स्ट मैच चंडीगढ़ से हुआ था। हम चंडीगढ़ नेशनल खेलने गए थे और हमारा मैच पंजाब से हुआ था और हम 1 से 3 तारीख तक जनवरी खेलने गए थे। हम चंडीगढ़ गए थे नेशनल्स खेलने और हमने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था बास्केटबॉल में। किससे टूर्नामेंट किससे हुआ था? हमारा मैच पंजाब से हुआ था। क्या पॉइंट्स हराया? हमने उन्हें 1-0 से हराया। हम लोग चंडीगढ़ गए थे नेशनल्स खेलने, वहाँ पे हमारा मैच, हम लोग गोल्ड मेडल आए, वहाँ पे हमारा मैच पंजाब से हुआ था और हमने पंजाब को 1-0 से हराया। मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ और हम नेशनल चंडीगढ़ गए थे नेशनल रोलर बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेलने और ये 1-3 जनवरी तक चला था और हमारा फर्स्ट मैच हुआ था चंडीगढ़ से और इसमें हमने गोल्ड मेडल प्राप्त करा है और हमारा फाइनल मैच भी चंडीगढ़ से ही हुआ था, उसमें हमने चंडीगढ़ को 6-1 के गोल्ड मेडल प्राप्त करा और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे पास गोल्ड मेडल है। हमारा फर्स्ट मैच चंडीगढ़ से हुआ था, हम जो पंजाब यूनिवर्सिटी में रुके हुए थे और हमारा फाइनल मैच पंजाब से हुआ था। इतने 3 दिन आपको कैसा लगा अपने घर से, आप दूर रहे हो और कैसा बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। हमें सर हमको घुमाने भी लेके गए, 3 दोनों में मजा आए थे। फिर उसके अंदर हमारा चंडीगढ़ से पहला मैच हुआ, उसके अंदर 8-1 से हमने चंडीगढ़ को हराया। फिर पंजाब मैच हुआ, उसमें 6-0 से हमने हराया। फिर उसके बाद में एक और पंजाब से हुआ, उसके अंदर 4-0 से हमने हराया। आज आप वापस सम्मानित हुए हो यहाँ पर, उस पर क्या कहना है? यहाँ पर बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी फैमिली से मिलकर अच्छा लग रहा है। और मेरा नाम जैन। के अंदर हमने राजस्थान विजेता खिलाड़ियों का स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जिसके अंदर हमारे संघ के सचिव श्रीमान कमल प्रकाश कृष्णानी जी मौजूद थे। इन्हीं के साथ राजस्थान रोलर बास्केटबॉल संघ के महासचिव दिनेश शर्मा की मौजूदगी में बच्चों को मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। हमारे राजस्थान के बच्चों ने लगातार 3री बार पूरे भारतवर्ष में अपना परचम फैलाया। इस परचम के अंदर अजमेर के अधिकतर छात्र छात्राएं थी। हमने अंडर 11 के अंदर वहां की लोकल टीम चंडीगढ़ को 6-1 से हराते हुए फाइनल में प्रवेश किया। इसी के साथ अंडर 11 बॉयज़ के अंदर हम प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंडर 14 के अंदर यूपी को एक तरफा अंदाज में हराया व अंडर 17 के अंदर हमारे बच्चे तृतीय स्थान रहे। इसी के साथ वहां पर रोलर स्केटिंग का भी आयोजन किया गया। स्वामी न्यूज़।
न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।